हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बैंगन में से कुछ नया बनाएंगे। फ्रेंड, आपने बैंगन आलू तो बहुत खाए होंगे, पर बैंगन आलू के पकोड़े आपने शायद ही खाए होंगे। तो आज हम बनाएंगे बैंगन आलू के पकोड़े। तो आप देखिए पूरी रेसिपी एंड तक। पकोड़े के साथ खाने वाली चटनी बनाएंगे फ्रेंड। पहले हम ये हमने मिक्सर का जार लिया है, इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। डंठल के साथ हमें डालना है फ्रेंड, इसे तोड़ के। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे फ्रेश, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, दो से तीन हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे, भुना हुआ मूंगफली डाल देंगे हम, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, लेमन जूस थोड़ा सा डाल देंगे हम, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के उसकी अच्छे से हम पेस्ट बना देंगे फ्रेंड। चलिए उसकी पेस्ट हम बना लेते हैं। चटनी हमारी रेडी है पीस के, उसका हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बैंगन को हमें अच्छे से धो लेना है फ्रेंड पहले, उसके बाद हम नहीं धोएंगे, हमें पहले ही धो लेना है। आलू भी हम धो लेंगे। सबसे पहले हम बैंगन को कट कर लेंगे फ्रेंड। हमें स्लाइस में कट करना है फ्रेंड। आप चाहे तो छोटा बैंगन भी ले सकते हैं दोस्तों, मेरे पास बड़ा बैंगन था इसके लिए मैंने बड़ा बैंगन यूज कर लिया है। हमने चिप्स कटर लिया है, स्लाइस कर लेंगे फ्रेंड। हमने किचन टावल लिया है फ्रेंड, इसके ऊपर हम ये आलू डाल देंगे ताकि उसका पानी सब सूख जाएगा। उसको हमने एक बार अच्छे से आलू को वॉश कर लिया है, दोबारा इसको हम सुखा लेंगे। हमने सिर्फ आलू को वॉश किया है, हमें बैंगन को वॉश नहीं करना है फ्रेंड। दो से तीन चम्मच लहसुन की पेस्ट ली है दोस्तों, ये कच्चा लहसुन है हमारा। इसमें हम एक चम्मच मिर्ची डालेंगे, नमक डाल देंगे इसमें, तो अच्छे से हम इसे मिला देंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे हम इसमें, एक चम्मच इतना, ज्यादा नहीं डालना है, तो अच्छे से हम मिला देंगे। तो ये हमारी लहसुन की चटनी रेडी है दोस्तों, इसकी हम फिलिंग करेंगे। अब आगे पूरा वीडियो एंड तक देखें दोस्तों। हमने बैंगन की स्लाइस लिए फ्रेंड, इसमें हम ये चटनी लगाएंगे। चटनी आप कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको लहसुन की चटनी पसंद नहीं है तो आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं दोस्तों। आलू की स्लाइस हम रख देंगे और कवर कर देंगे ऐसे, सब हम वैसे ही कर लेंगे दोस्तों। एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो। हर बार हम तो बटाटे और बैंगन के अलग अलग भजिए खाते हैं, इस बार क्यों ऐसे बना रहे हैं आप? इसीलिए तो इस बार मैंने कुछ नया सोचा है, बैंगन और आलू एक साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये नया सोचा है। चलो देख के ट्राई करते हैं हम भी। आपको बहुत पसंद आने वाले है, आपको खाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना टेस्टी बना है ये। जरूर जरूर, फिर हम लोग ऐसे ही बनाएंगे हर बार। या जरूर, बैंगन की पूरी और आलू की पूरी तो आप खाते ही है, तो मैंने सोचा कि दोनों एक साथ में क्यों ना खाया जाए। हमने एक कटोरी बेसन लिया है दोस्तों, वो हम डाल देंगे। बेसन हमें छान के लेना है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, कटे हुए धनिया पत्ता डालेंगे बारीक, थोड़ी सी कटी हुई ग्रीन चिली डालेंगे। आप जितना स्पाइसी खाते हैं उसके हिसाब से आप डालें दोस्तों ग्रीन चिली। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, पानी डाल के उसका अच्छे से बैटर बना देंगे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, अच्छा सा स्मूथ बैटर बना देंगे हम। हमें ना ज़्यादा पतला चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए,
मीडियम बैटर चाहिए दोस्तों। ये बैटर में हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए हम चावल का आटा 1 चम्मच ऐड करेंगे दोस्तों, ये डालना ऑप्शनल है। इसे मिला देंगे, आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्न स्टार भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसमें हम थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे 1 चम्मच और अच्छे से हम तेल को मिला देंगे दोस्तों। ये तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम ये पकोड़े डालेंगे और फ्राई करेंगे हम। हमें अच्छे से दोनों साइड से बैटर लगाना है। इसको हम टर्न करेंगे दोस्तों और अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है फ्रेंड। ये पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड, इसको हम निकालेंगे। बाकी के भी हम वैसे ही बना देंगे। ये हमारे फ्राई होके रेडी है, आपको उसकी आवाज भी सुना देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। ये चटनी में बना के रेडी रखी थी वो हम रखेंगे इसमें, और ये टोमेटो केचप के साथ हम सर्व करेंगे, और ये हरी मिर्च हमने फ्राई कर लिया दोस्तों। तो आपको एक पकौड़ा कट करके भी बता रही हूँ आपको। वाओ तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।